हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश गुरुकुल। दोस्तों, आज हम साल 1850 में पब्लिश हुई इस खूबसूरत सी नॉवेल की कहानी पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है द स्कारलेट लेटर, जिसे लिखा है नथालियन हथोरनिनोन। इस किताब को मैंने लगभग एक हफ्ता पहले कंप्लीट किया और आज जब इसकी पूरी कहानी को मैं ठीक से समझ चुका हूँ, इसकी थीम्स के ऊपर मैं डीपली सोच विचार कर चुका हूँ, इसके बाद हम इसे पहले पार्ट में देखेंगे इसकी कहानी क्या है, और आने वाले सेकंड वीडियो में हम इसकी क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, जिसमें इसके थीम्स, इसके सिंबोलिज्म, कैरेक्टराइजेशन और अन्य कई सारी बातों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम इस खूबसूरत से नॉवेल की कहानी के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक प्यूरिटन कम्युनिटी की। अब हमें इसका एक बैकड्रॉप समझना पड़ेगा कि जो इंग्लैंड था 16th-17th सेंचुरी का, वहां पे जो चर्च ऑफ इंग्लैंड था उसका पूरी तरह से वर्चस्व था, और जो इंग्लैंड में रहने वाले लोग थे उन्होंने जस्ट उसके 50-100 साल पहले ही अमेरिका के तरफ भ्रमण करना शुरू कर दिया था। तो वहां पे जो चर्च ऑफ इंग्लैंड था उसके प्रभाव से कहिए, या फिर जिस दिशा में क्रिश्चियनिटी जा रही है उससे नाराज कुछ लोग जो अपने आप को टोटली प्योर रखना चाह रहे थे, वो अपने आप को प्यूरिटन्स कहते थे, ये लोग इंग्लैंड से होकर माइग्रेट हुए अमेरिका में, और खासकर वहां पे भी बोस्टन या फिर मैसेच्यूट्स बे कॉलोनी में ये लोग शिफ्ट हो गए, जो कि नॉर्थ अमेरिका में आता है। और यहाँ पर इन्होंने अपनी एक कम्युनिटी बनाई जिसे प्यूरिटन्स कम्युनिटी कहा जा रहा था। अब ये जो कम्युनिटी थी एक सोशली क्लोज कम्युनिटी थी। अब इसकी खासियत क्या थी? इसकी खासियत थी इसके जो रूल्स है, यहाँ पे जो गवर्नेंस है, ये लगभग लगभग बाइबल के ऊपर आधारित था। अब ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक खामी क्या थी? ये खामी थी रिलीजियस रिजिडिटी, मतलब ये पूरी तरह से उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। अब जो चीज बाइबल में गलत है, जैसे ब्लास्फेमी हो गया या फिर अडल्ट्री हुआ, ये सारी चीजों के लिए यहाँ पर पब्लिक शेमिंग किया जाता था, और स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट जो बाइबल में दी गई है उसके हिसाब से पनिशमेंट भी दी जाती है। और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। कहानी शुरू होती है हेस्टर प्रिंस से। हेस्टर एक महिला है जिसकी, जो एक नौजवान महिला है जिसकी गलती यह है कि उसकी एक शादी थी, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि उसकी शादी किससे हुई थी। हमें भी इसके बारे में सेकंड चैप्टर में जाके पता चलता है। और उसका पति अभी उसे छोड़कर जा चुका है, और उसके पति की गैर मौजूदगी में हेस्टर के संबंध अन्य एक व्यक्ति के साथ आ जाते हैं, और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, जिससे उसे एक बच्ची मिलती है, बच्ची का जन्म होता है। अब ये जो है इसे अडल्ट्री कहा जाता है। अब ये अडल्ट्री जब इस प्यूरिटन कम्युनिटी में पकड़ी जाती है तो उसे पहले तो जेल में डाला जाता है, और फिर तय किया जाता है कि अब हम हेस्टर को सजा क्या देंगे, क्योंकि हमारी कम्युनिटी के हिसाब से ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा पाप है। और फिर हेस्टर के लिए एक सजा दी जाती है। वो सजा पहले पार्ट में तो ये है कि आपको पब्लिक शेमिंग का सामना करना है। हेस्टर को अपनी बच्ची के साथ स्कैफोल्ड पर, स्कैफोल्ड का मतलब होता है जहां पर फांसी दी जाती है, वो एक मंच, उस मंच के ऊपर हेस्टर को खड़ा किया जाता है, और गांव की सारी पब्लिक वहां पर खड़ी होती है, उसके सामने हेस्टर को अपमानित किया जाता है। उसे पूछा जाता है कि बताओ इस बच्ची के पिता का नाम क्या है। बहुत अन्य अन्य तरीकों से उसे कहा जाता है कि अगर तुम नाम बता दोगी तो ये सजा नहीं मिलेगी, सारे साम दाम दंड भेद जो भी हो सकता है, इस तरह से उसे कन्विंस करने की कोशिश की जाती है। लेकिन हेस्टर उस बच्ची के पिता का नाम बताने से पूरी तरह से इनकार कर देती है। इसी में जो मिनिस्टर होता है, जो आर्थर है, आर्थर डिम्सडेल है, ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। आर्थर डिम्सडेल जो कि एक चर्च का मिनिस्टर है, वो भी बहुत ज्यादा कन्विंस करता है, कहता है कि बता दो हेस्टर कि आखिर वो अपराधी कौन है, वो दोषी कौन है, जिससे कि सिर्फ तुम्हें अकेले को सजा ना मिले बल्कि तुम्हारी सजा में एक भागीदार भी हो, क्योंकि उसने भी गलती की है, गलती तुमने अकेले ने नहीं की है। लेकिन इसके बावजूद आर्थर डिम्सडेल को भी हेस्टर कोई भी जानकारी नहीं देती है, और आखिरकार उसे सजा और सजा बढ़ा दी जाती है, और उसे कहा जाता है कि अब हेस्टर तुम अपने सीने के ऊपर लेटर ए लिखोगी, ए ये मतलब अडल्ट्री, अडल्ट्रेस के तौर पर अभी तुम्हें पूरी दुनिया दिखेगी, और तुम्हारी सजा यही है कि लाल कलर का लेटर ए जिंदगी भर तुम्हारे सीने पर रहेगा, और जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी उसके बाद भी तुम्हारे ग्रेव के ऊपर, तुम्हारी समाधि के ऊपर भी ए लिखा जाएगा, ताकि उसके बाद भी लोगों को पता चले कि तुम कौन थी। तो ये इतनी सजा देखते हुए कुछ लोगों को लग सकता है बहुत छोटी सजा है, और कुछ लोग कहेंगे कि कितनी गंभीर सजा है, क्योंकि जिंदगी भर आपको उस लेटर का बोझ आपके सीने पर लेकर घूमना है, पब्लिक में आपको निकलना है। अब ये सजा मुकम्मल की जाती है, उसके बाद हेस्टर की परेड निकाली जाती है, और पूरे गांव से, गलियों गलियों से हेस्टर को घुमाया जाता है कि देखो इसने ऐसा गुनाह किया है, ये एक महिला है जिसने अडल्ट्री की है, जिसने बहुत बड़ा पाप किया है। अब इतनी पब्लिक शेमिंग होने के बाद हेस्टर वापस उसे जेल में ले जाया जाता है, जहां पर एक अन्य इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है जो डॉक्टर रॉजर चिलिंगवर्थ है। अब ये जो रॉजर चिलिंगवर्थ है, चैप्टर 2 में हमें पता चलता है कि जब ये इलाज करने के लिए हेस्टर के पास आया है,
तो उनकी बातों से हमें समझता है कि आर्थर सॉरी रॉजर चिलिंगवर्थ यही हेस्टर का पति है। हेस्टर उसे कहते हैं कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मुझसे गुनाह हुआ है, मैं कबूल करती हूँ, लेकिन तुम मुझे छोड़ के चले गए थे, तुम 2-3 साल से गायब थे, मुझे ये भी नहीं पता कि तुम जिंदा हो या नहीं, या फिर तुम कभी वापस लौटोगे या नहीं, तो ऐसे में मुझसे गलती हुई है, मैं मेरी गलती मानती हूँ, अगर तुम चाहो तो मुझे अभी यहाँ पर जो दवाई दो, मुझे जहर दे दो, मैं खुशी खुशी से पी लूंगी, मैं मौत को भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। तो यहाँ से हेस्टर पूरी तरह से मानती है कि उसने गलती की है, उसने पाप किया है, फिर वो क्रिश्चियनिटी की दृष्टि से हो या मानवता की दृष्टि से हो, वो अपने आप को दोषी अपराधी मानती है, और ये अपराध बोध उसमें शुरुआत से है। वो ये नहीं कह रही कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, बस वो यही कहते हैं कि मैं तुम्हारा भी नाम, तुम मेरे पति हो, तुम्हारा भी नाम मैं किसी को नहीं बताऊंगी, और जिसके साथ ये व्यभिचार मैंने किया है उसका भी नाम मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी। लेकिन रॉजर चिलिंगवर्थ जो कि उसका बिछड़ा हुआ पति है, वो कहता है कि मैं एक ना एक दिन ये चीज का पता लगा लूंगा, और जब मैं पता लगाऊंगा उस व्यक्ति से मैं बदला लूंगा, मैं रिवेंज लूंगा। यहां से हमें चिलिंगवर्थ की पर्सनैलिटी के बारे में समझता है कि वो एक डिटरमाइंड व्यक्ति है और ये बदला लेगा और जरूर लेगा। तो वहां पे हेस्टर का कुछ दिनों का इलाज हो जाता है, उसके बाद हेस्टर अब गांव में वापस रहने के लिए चली गई है, लेकिन अब वो गांव में नहीं रह सकती क्योंकि उसके सीने पर ये लेटर जो है स्कारलेट लेटर, उसका बोझ अभी बहुत ज्यादा है, वो पूरी तरह से एक भीड़ भाली समाज में नहीं रह पाएगी, इसलिए वो पूरे समाज से बाहर एक आउटस्कर्ट्स पर एक पुराना सा घर रहता है जहाँ पे कोई नहीं रहता था या वहां के लोग चले गए हैं कहीं दूर, उस घर को वो अपना बसेरा बना लेती है, वहां पे वो अपनी छोटी बच्ची के साथ रहने लगती है, पूरे गांव से बाहर है। अब वो जब भी गांव में जा रही है तो अब भले ही वो बाहर रहे लेकिन कुछ ना कुछ जरूरत के सामान के लिए, दुकान के लिए, कपड़ों के लिए इंसान को गांव में जाना ही पड़ता है, और जब वो जाती है तो छोटे छोटे बच्चे भी उसको देखकर मजाक उड़ाते हैं, छोटे छोटे बच्चे पत्थर मारते हैं। अब ये जो फजीलत है, ये जो अपमान है, इसका सामना उसे हर रोज करना है, लेकिन हेस्टर अपने अपराध बोध को पूरी तरह से मान चुकी है, वो अपने आप को एक अपराधी मानती है, इसलिए वो अपने लाइफ में कुछ बदलाव करती है। पहला बदलाव तो यह है कि वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है, बच्चे उसे गालियां दे रहे हैं, उसके एक गलत महिला के तौर पर उसे देखा जा रहा है, लोग उससे वो आ रहे हैं तो पूरा रास्ता खाली हो जा रहा है, तो ये सारा होते हुए भी वो किसी भी तरह से ना एक शब्द से ना ही अपने एक्सप्रेशन से वो ये दिखा रही है कि तुम लोग मेरे साथ गलत कर रहे हो, नहीं बल्कि वो पूरी तरह से काम रहती है, वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती है, और अपने अटायर को, अपने ड्रेसिंग को वो इस तरह से बनाती है कि वो अपने पूरे बाल ढक लेती है। अब जो कपड़े वो पहनती है एकदम साधारण कपड़े पहनती है, कलरलेस कह सकते हैं, लेकिन जो लेटर ए है वो भड़कीले लाल रंग में और एकदम अच्छी डिजाइन के साथ लगाती है कि मैं ये मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है। तो इस गलती को जब वो मानने लगती है, धीरे धीरे यहां से उसका ये प्रवास शुरू हो रहा है। शुरुआत के कुछ दिन उसके लिए बहुत मुश्किल जाते हैं। अब यहां से हमें कुछ समय के लिए हेस्टर के बारे में कम जानकारी मिलती है। अब हम पहुंचते हैं दूसरे कैरेक्टर के बारे में जो है रॉजर चिलिंगवर्थ। अब ये अपने बदले की भावना से पूरी तरह से ग्रस्त हो चुका है, ये ढूंढ के निकालना चाहता है कि आखिर ये दोषी कौन है। अब जो कम्युनिटी है उसका एक रूल है, जो क्रिश्चियनिटी है उसमें जो भी लोग कोई गलती करते हैं भले पब्लिक में ना एक्सेप्ट करें, लेकिन क्रिश्चियनिटी को मानने वाले, बाइबल को मानने वाले इस गलती को बताएंगे पादरी के पास, वो चर्च में जाके पादरी से कहेंगे कि मुझसे ये पाप हुआ है, मुझसे ये गलती हुई है फादर। तो इसकी जानकारी एक व्यक्ति के पास जरूर हो सकती है, वो है वो पादरी। तो हेस्टर का जो पादरी है वो है एडम। तो यहाँ पे जो पादरी है उसको रॉजर चिलिंगवर्थ अपना शिकार बनाता है, वो उसके साथ दोस्ती करता है, और इसकी वजह भी होती है कि जो पादरी है डिम्सडेल, आर्थर डिम्सडेल, उसकी तबीयत अभी बहुत खराब होने लगी है, और लोग ये सोच रहे कि इतना भला व्यक्ति है, इसकी तबीयत खराब हो रही है। ऐसे में ये जो डॉक्टर चिलिंगवर्थ है जो कि अभी अभी जंगल से लौट कर आया है, बहुत होशियार मालूम होता है, लोग भी कन्विंस करते हैं कि पादरी साहब आप डॉक्टर चिलिंगवर्थ की आप सहायता लीजिए, और लोगों के कहने से धीरे धीरे अब चिलिंगवर्थ और आर्थर डिम्सडेल ये आसपास रहने लगते हैं। अभी साथ में रहते रहते धीरे धीरे चिलिंगवर्थ बहुत कोशिश करता है कि वो बताए, पहले तो इनडायरेक्ट टेक्निक यूज करता है कि आप तो एक फादर है, आपके ऊपर बोझ है कि आप सबके जख्म, सबके पाप आप सुनते हो, इसका आपके हेल्थ के ऊपर असर हो रहा है, अगर आप इस पाप को शेयर करेंगे तो आपका जो बीमारी है, आपका जो शरीर है जर्जर हो रहा है, ये धीरे धीरे अपने आप ठीक होने लगेगा, बाकी दवाई तो अपना काम कर ही रही है। तो इस तरह से वो उसे अपने झांसे में लेने की कोशिश करता है, लेकिन आर्थर डिम्सडेल जो कि एक पादरी है, आर्थर एक कोई भी जानकारी रॉजर चिलिंगवर्थ को नहीं देता है। लेकिन यहाँ पे एक शॉकिंग रिविलेशन हमें होता है, एक दिन जब आर्थर सोया हुआ है और अचानक से क्योंकि वो आसपास ही रह रहे, पड़ोस में रह रहे, लगभग हमेशा रह रहे, तो सोया हुआ ऐसे में जब चिलिंगवर्थ आता है तो वो कुछ ऐसा देखता है जिससे उसे ये पता चल जाता है, ये कन्फर्म हो जाता है कि जो हेस्टर के साथ जिसने व्यभिचार किया है वो कोई और नहीं बल्कि ये पादरी आर्थर डिम्सडेल ही है, मतलब हेस्टर की बच्ची का बाप ये पादरी ही है। अरे यहाँ पे शौक की बात यह है कि ये पादरी खुद
वहां पे कोशिश कर रहा था कि हेस्टर तुम बताओ कि तुम्हारे साथ इस पाप में भागीदार कौन है, इस बच्ची का बाप कौन है। वो बहुत कोशिश करने वाला यही व्यक्ति होता है, लेकिन इसके बावजूद भी हेस्टर उस समय पर वो पब्लिक के सामने रिवील करने से मना करती है। अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि आर्थर डिम्सडेल ने भले ही पब्लिक के सामने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन उसके दिल पर इसका गहरा असर हुआ है, क्योंकि वो आते जाते देखता है कि हेस्टर कितने अपमान का सामना कर रही है, कितनी मुश्किल जिंदगी वो गुजार रही है। क्यों गुजार रही है? कहीं ना कहीं इसमें उसकी भी गलती है, लेकिन उसने अपनी गलती को पब्लिक के सामने एक्सेप्ट नहीं किया है। लेकिन कोई और ना जानता हो, उसकी अंतरात्मा तो जानती है ना कि मैंने गलत किया है, और इस अपराध बोध का उसके शरीर के ऊपर इतना असर होता है कि उसके सीने में तेज दर्द होने लगता है जब वो सोचने लगता है, और छोटी छोटी बातों पर वो अपना सीना पकड़ लेता है। तो धीरे धीरे करते हुए सीना तो दुखी रहे, उसका शरीर भी पूरी तरह से क्रिश हो जाता है, वो पूरी तरह से कमजोर होने लगा है। और अब ऊपर से चिलिंगवर्थ, जो कि दोस्त के तौर पर उसके साथ रहता है, वो भी ये जान चुका है कि यही मेरा दुश्मन है जिसने मेरी बीवी के साथ दुष्कर्म किया है, या फिर मेरी बीवी को मुझसे दूर किया है। तो अब उसने शुरुआत में ही हेस्टर को कहा था कि मैं बदला लूंगा। अब वो बदला लेने के अलग अलग हथकंडे उपयोग में लाता है। पहला तो उसे मेंटली ट्रॉमेटाइज करता है कि तुमने जरूर कुछ ऐसा गलत किया है जिसकी वजह से तुमको ये सजा मिल रही है, और हो सकता है तुमने एक्सेप्ट नहीं किया। तो इनडायरेक्टली वो शब्दों से उसे हर बार आहत करता है। फिर वो खुद ही उसका डॉक्टर है, दवाइयां भी ऐसी देता है कि उसको पेन होता रहे, वो मरे ना, लेकिन उसको उसका जो शरीर है वो पीड़ा में रहे, हमेशा दर्द में रहे। तो इस तरह से एक दुश्मन ही अब आर्थर के घर में है, और वो दुश्मन उसका दोस्त का मुखौटा पहनकर उसके सामने रहता है। तो धीरे धीरे उसका शरीर पूरी तरह से कमजोर होने लगा है। यहां से कहानी फिर से एक बार हेस्टर के जीवन पर जाती है। हेस्टर की बच्ची जिसका नाम पर्ल है, पर्ल एक बहुत ही खूबसूरत सी बच्ची है, और हेस्टर ये जानती है कि मुझे मेरी बच्ची को बहुत अच्छे से परवरिश देनी है, और इसी के चलते वो उसे बहुत अच्छे कपड़े पहनाती है, उसको बहुत समय देती है। अब धीरे धीरे हेस्टर, इसके पास कारीगरी बहुत ज्यादा है, कपड़े बुनने की उसके पास कला है, तो वो अब धीरे धीरे अपने काम में लगी गई है। वो पब्लिक उसे कितना भी अपमानित करे, वो उस अपमान को नहीं देती है, बल्कि वो बस अपने काम को करती है जिसके ऑर्डर मिले, ऑर्डर कर रही है, बहुत खूबसूरत काम कर रही है, लोगों को बहुत खूबसूरत कपड़े पहना रही है, लेकिन खुद हमेशा बहुत ही सिंपल सादे कपड़े पहनती है, अपनी खूबसूरती को छुपा के रखती है, अपने बालों को, उसके बाल सुनहरे कलर के होते हैं, उन्हें छुपा के रखती है, हमेशा मार्केट से जा रही है तो बस अपने अपने काम में लगी रहती है। तो और उसके बाद उसकी जिंदगी में एक और बदलाव आता है कि यह बड़ा सा गांव है, इसमें एक ऐसा ही व्यक्ति नहीं कि जिसे कोई सजा दी जा रही है। हर आए हफ्ते किसी ना किसी व्यक्ति के साथ इस तरह के वाक्य होते हैं कि जिन्हें चर्च की ओर से सजा दी जाती है, और इन लोगों को अभी समाज से लगभग बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऐसे लोगों को सहारा कौन दे? हेस्टर यहां पर एक दोस्त, एक माँ की तरह उनके लिए खड़ी हो जाती है, और ऐसे लोगों की वो सहायक बनती है, वो लोगों के साथ उनका दुख दर्द बांटने जो उससे हो सकता है वो करती है, उनको घर में रहने को जगह देती है, उनके रोटी कपड़ा मकान की वो जरूरतें पूरी करती है। और इसके चलते जो पूरा टाउन है, पूरा जो गांव है, धीरे धीरे क्या दिख रहा है कि ये महिला जिसको हम गांव से बाहर निकाल चुके हैं, हम हमेशा अपमानित करते हैं, लेकिन ये कभी पलट कर हमें गाली नहीं देती है, लेकिन ये आज भी लोगों की मदद ही कर रही है। और धीरे धीरे इंसान की फितरत है, वो बोलता है कि हाँ, एक इंसान ही तो है, इंसान से एक बार गलती हुई, हेस्टर से भी गलती हुई, लेकिन अब देखिए वो अपने इस गलती के बाद भी समाज में एक कितने उपयोगी व्यक्ति के तौर पर खड़ी हो रही है। और यहां से उसके चेस्ट पर ये जो स्कारलेट लेटर ए लिखा हुआ है, जिसका मतलब एक अडल्ट्रेस था, अब धीरे धीरे इस ए लेटर का मतलब बदलकर एबल, एबल मतलब ये उपयोगी, एक स्ट्रांग स्ट्रांग महिला के तौर पर अब इस लेटर का मतलब बदलने लगता है। तो देखिए कैसे होता है, जब आप काम कर रहे हैं तो धीरे धीरे लोग देखेंगे, उनकी मानसिकता के ऊपर फर्क पड़ेगा। और अब जब हेस्टर धीरे धीरे 2-3 साल निकल गए, जब वो मार्केट में जा रही है, तो उसको लोग अपमानित करना बंद कर चुके हैं, लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ, उसे एक बार गलती हुई थी, लेकिन गलती करना तो इंसानी स्वभाव है। और साथ ही साथ अब उसकी बच्ची के साथ भी कोई बुरे से व्यवहार नहीं कर रहा है। पर्ल अब बहुत ही खूबसूरत लड़की हो गई है, वो खेल रही है, सब बहुत अच्छे से उसकी जिंदगी जा रही है। लेकिन यहाँ पर भी एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है। एक दिन हेस्टर को पता चलता है कि मिनिस्टर और कुछ और लोग, जैसे उस गांव के जो भी ऐसे अधिकारी लोग हैं, वो चाहते हैं कि पर्ल को अब हेस्टर से निकालकर किसी अन्य व्यक्ति के पास दे दिया जाए। क्यों? क्योंकि हेस्टर ने गलती की थी, बाइबल के हिसाब से एक अडल्ट्रेस है, इसने एक व्यभिचार किया हुआ है, तो ऐसी महिला के साथ एक बच्ची को जिंदगी भर रखना अच्छी बात है क्या? क्यों? क्योंकि ये उसे अच्छे संस्कार नहीं दे पाएगी। ऐसे वक्त पर जो पर्ल का पिता है, यानी जो पादरी है, पादरी सहायता करता है। वो उस मीटिंग में कहता है कि नहीं, ईश्वर ने जब पर्ल को हेस्टर को दिया है तो ईश्वर का प्लान है कि जब भी हेस्टर अपनी बच्ची को देखे तो उसे हमेशा याद रहे कि मैंने गलती की थी, और वो उसे इस तरह से परवरिश दे कि ऐसी कोई गलती पर्ल अपनी जिंदगी में ना करे, तो इसलिए हमें नहीं निकालना चाहिए। तो आखिरकार जो उसका प्रेमी है या फिर जो पर्ल का पिता है, वो उसकी सहायता करता है और वो इशू
सॉल्व हो जाता है और अब पर्ल उसी के साथ रहती है। धीरे धीरे साल गुजरने लगते हैं और जो पादरी है तो पादरी की अभी तबीयत बहुत हद से ज्यादा खराब हो चुकी है। अब इनडायरेक्टली हेस्टर की नजर पूरे गांव पर रहती है और खासकर जो पादरी के साथ हो रहा है इसके बारे में वो जानती है कि उसके साथ में उसका पति रहता है, कहीं ना कहीं वो ये जान चुका है, इसीलिए वो इस तरह से बदला ले रहा है, उसकी तबीयत जानबूझ के खराब करना है, उसे मरने नहीं दे रहा, ना ही वो ठीक से जी पा रहा है। तो एक दिन पर्ल अपने बिछड़े हुए पति से, रॉजर चिलिंगवर्थ से मिलती है और उसे कहती है कि ये मत करो, ठीक है उससे भी गलती हुई है लेकिन ये बदला मत लो, क्योंकि बदले की भावना में तुम एक डेविल बन चुके हो, अब तुम्हें बिल्कुल इंसानियत नहीं है, इससे अच्छा तो तुम उसे मार दो। लेकिन रॉजर चिलिंगवर्थ वहां पे कहता है कि नहीं, मारूंगा नहीं, बदला लूंगा। तो उसके बदले की भावना इतनी बढ़ चुकी है कि अब वो अपने आप को डॉक्टर के तौर पर नहीं देख रहा है, वो रह रहा है दोस्त की शक्ल में लेकिन काम कर रहा है पूरे दुश्मनों के बाद। उसको वो ना मेंटल पीस मिलने देता है ना शारीरिक तौर पर उसे वो तंदुरुस्त रहने देता है। तो उसका बदला जारी है। तो आखिरकार अब वो अपने बिछड़े हुए पति यानी रॉजर से कहते हैं कि मैं अब ये सारी सच्चाई पादरी को बता दूंगी, डिम्सडेल को बता दूंगी, इससे अच्छा तुम ये रोक दो। लेकिन वो नहीं रोकता है। तो आखिरकार अंत में जाकर एक जंगल में हिस्टर और डिम्सडेल यानी उसके प्रेमी पादरी की मुलाकात होती है, जिसमें उसे कह देते हैं कि हाँ ये रॉजर चिलिंगवर्थ ही मेरा पति था और अब ये तुम्हारे साथ जो गलत हो रहा है वो पूरी तरह से एक बदले के तौर पर, बदले की भावना से रॉजर चिलिंगवर्थ कर रहा है। इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से भाग चले जाएंगे, मुझे भी अब 7 साल हो चुके हैं, हम ये पूरा गांव छोड़कर, ये देश छोड़कर, जहाज पकड़ कर हम दूसरे कॉन्टिनेंट में चले जाएंगे, हम हो सकता है इंग्लैंड चले जाएंगे अमेरिका से, तो वहां पे हमें कोई पहचानता नहीं, हम वहां पर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। अब ये उनका प्लान तय होता है, 4 दिन के बाद हम जाएंगे, ये भी सब तय हो जाता है। इस पूरे वाक्य में एक इंटरेस्टिंग बात होती है कि अब जब वो एक्सेप्ट कर चुकी है चलो हम चले जाएंगे, तो हेस्टर अपना ये लेटर जो है ए वो निकाल कर फेंक देती है और अपने बाल भी खुले कर देती है। और जब वो पर्ल को बुलाती है मेरे पास आओ, तो पर्ल उसके पास आने से मना करती है। पर्ल कहती है कि तुम मेरी माँ हो ही नहीं, तुम्हारी पहचान नहीं है मैं वहां पे। तो उसके चलते हेस्टर फिर से एक बार अपने बाल बांध देती है, फिर से वो लेटर पहन लेती है, तब जाके कहीं पर्ल उसके पास आती है। अब ये क्या है, बच्चे की जो आइडेंटिटी है अपनी माँ के लिए वो लेटर है, उसका वो पहनावा है, इसकी भी हमें यहाँ पर एक झलक देखने को मिलती है। आखिरकार वो चौथा दिन आता है जब वो वहां से भागकर जाने वाले थे। उस दिन की खासियत यह है कि उस दिन जो पादरी है, जो मिनिस्टर है, वो रिटायर होने वाला है, एक नई गवर्नमेंट आने वाली है। उस दिन पादरी चर्च में एक सरमन देते हैं, एक भाषण देते हैं, और वो उस भाषण में भी इनडायरेक्टली कहते हैं कि मैं भी पापी व्यक्ति हूं, और फिर उसका यह तय होता है कि हम भाग के चले जाएंगे। लेकिन ये क्लाइमैक्स में होता यह है कि रॉजर चिलिंगवर्थ को इस बात का पता चल जाता है और वो कहता है कि ये जहां भाग के जाने वाले हैं, जिस बोट से भाग कर जाने वाले हैं, मैं भी उनके साथ जाऊंगा, जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां मैं आऊंगा और वहां पे मेरा बदला लूंगा। तो अब यहां पर जाकर जो पादरी है कहीं ना कहीं वो समझ चुका है कि मैंने जो गलती की है वो यह है कि मैंने पब्लिक के सामने अपने गुनाह कबूल नहीं किए हैं। और आखिरकार ये पूरा जब उसका भाषण हो जाता है चर्च में, उसके बाद वो वहां पर स्कैफोल्ड, जो मंच जहां पर हेस्टर को शुरुआत में सजा सुनाई गई थी, जहां पे उसे पब्लिक शेम का सामना करना पड़ा था, वहां पर वो आता है और हेस्टर को अपने सामने लेता है, पर्ल को साथ में लेकर वो पब्लिक के सामने अपने गुनाह कबूल करता है कि हाँ वो व्यभिचारी मैं हूं, मैंने गलत किया था। और इस सीन के बाद उसकी तबीयत इतनी खराब हो चुकी है कि वो उसी मंच पर अपनी जान दे देता है। उसकी मौत के बाद अब पब्लिक को यह पता चल चुका है कि आखिरकार वो व्यक्ति कौन था। और उसके बाद धीरे धीरे एक ही साल के अंदर रॉजर चिलिंगवर्थ भी मर जाता है, क्योंकि अब जिसका बदला लेना था वो व्यक्ति नहीं है, उसके पास अभी टारगेट ही नहीं है, वो भी मर जाता है। हेस्टर अपनी जिंदगी ऐसे ही अच्छे कामों के लिए बिताती रहती है, अपनी बच्ची को अच्छी परवरिश देती है, और कुछ सालों के बाद वो अचानक से गायब हो जाती है जब पर्ल एक नौजवान महिला बन जाती है। वो जाती है और 3-4 सालों के बाद वो अकेली वापस आ जाती है। कहीं ना कहीं उसने हेस्टर की शादी कहीं और करा दी, ऐसी जगह पर जहां पर ये आइडेंटिटी उसकी नहीं थी। कहीं ना कहीं वो जानती है कि ये जो गलत क्या है ये मैंने किया है, इसका सामना मैं अकेली करूंगी, मेरी बच्ची का इस गलत चीज के साथ ताल्लुकात नहीं आना चाहिए। तो उस गाँव से दूर, उस शहर से दूर उसकी शादी हो जाती है। और फिर कभी कभी बीच बीच में पर्ल उसे कुछ गिफ्ट भेजती रहती है। और अंत में हमें पता चलता है कि अपने आखिर के दिनों तक पर्ल समाज की सेवा करती है, एक दुखियारे लोगों की वो सेवा करती है। अब लोग उसके इस लेटर ए का मतलब पूरी तरह से एबल समझते हैं, लोग उसे एक संत महिला की तरह देखते हैं। और जब ये तय हुआ था कि सजा तय हुई थी कि मौत के बाद भी उसकी समाधि के ऊपर लेटर ए लिखा था, लिखा जाएगा, वो नहीं होता है, और हमें अंत में पता चलता है कि जब हेस्टर की मृत्यु हो जाती है तो उसके ग्रेव पर लिखा जाता है ऑन अ फील्ड सेबल द लेटर ए ग्लूज, उसके समाधि पर लिखा जाता है कि लेटर ए का मतलब एबल है। ये यहाँ पर कौन है, एक एबल महिला थी, इस फील्ड पर एक एबल महिला है। तो देखिए किस तरह से वो मतलब बदल गया। ये खूबसूरत सी कहानी आपको जरूर पढ़नी चाहिए। अगले पार्ट में हम इस पूरे
पूरी कहानी के थीम्स के ऊपर बात करेंगे, कैरेक्टराइजेशन के ऊपर बात करेंगे, और वो वीडियो भी आपने जरूर देखना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।